हे भैया, कैसे हो आप हिमा जी? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आप देख पा हाँ, रहे मैं हैं? भी ठीक हूँ। हाँ, देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं ना? जी। हाँ, ओह माय गॉड। मैंने आपका काफी बीच में देख रहा था, पूरा जितना भी आपने स्पोर्ट्स में हासिल किया, आपकी पूरा का पूरा फैमिली के बारे में पढ़ रहा था। तो सबसे पहले तो आपको सैल्यूट आपके अचीवमेंट के लिए, और पूरी फैमिली को, पूरे आपके असम में लोगों को बहुत बहुत प्यार, और आप थैंक इंडिया की यू बेट। भैया, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से आपका बैटिंग का बहुत फैन हूँ मैं, और सबसे खुशी इसलिए लगा आपको जब मैंने रिक्वेस्ट किया था लाइव में आना है। लॉकडाउन के टाइम में हम ऐसे ही हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करके, तो आपने एक ही टाइम में एक्सेप्ट किया था, तो उसी दिन मेरा बेस्ट मोमेंट थी। और कल से मैं वेट कर रहा था, आज कब 5 बजे की। इवन मैं 2 बजे सोया अच्छा। था आधा घंटे के लिए, उसी टाइम भी मेरा आपका याद आ रहा है, और बहुत अच्छा नहीं, लग रहा है। पूरा अभी लॉकडाउन है और आप पटियाला में हैं अभी, राइट? हाँ, पटियाला में हूँ। तो लॉकडाउन में क्या क्या कर रहे हो आप? मैंने आपको वो देखा था, आपका बैलेंसिंग वाला जो आपसे बात हुआ था फोन पे, वो सीखना है मुझे। सिखा देंगे जब मिलेंगे आपको। आपसे भी मुझे वो सिखाना है, सीखना है बैटिंग का स्टाइल, जो जी, बिल्कुल। जैसे स्वीट शॉट, मैं तो स्वीट शॉट बोलती हूँ सभी को। हाँ, वो मैं भी जब खेलता था ऐसे ही, तो काफी वो प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि आपने जैसे फुटबॉल चुना था हाँ अपने अपना परस्यू करने के लिए फ्यूचर। बास्केटबॉल का बहुत गेम खेला था पहले, और आपको भी मालूम है मैं फुटबॉल खेला था। हाँ, पूरा आपका देखा था मुझे। एक्चुअली आपका मैंने इतना सारा देखा टीवी पे, मुझे आपका जो स्प्रिंट में इतना आपने रिकॉर्ड बनाए, तो जो लॉकडाउन में इतना अभी हो रहा है लाइफ में सबके लिए, गवर्नमेंट हमारा इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतना सारी चीजें कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए, तो लॉकडाउन में आप एज ए एथलीट, हम लोग सारे के सारे स्पोर्ट्स के जो जो हमारे जनरेशन है अभी, जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, तो मेरा अच्छा है कि एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को मोटिवेट करके, क्योंकि इस टाइम पे घर पे रह के ही हमें इस कोरोना वायरस फाइट करनी है। तो आपको क्या क्या चीज लग रहा है? आप फिटनेस को कैसे मेंटेन कर रहे हो? कैसे आप उस चीज को ले रहे हो पॉजिटिव? पहले पूरा सिस्टम को मैंने पॉजिटिव ले रही हूँ, क्योंकि अभी ये इंडिया का ही नहीं, पूरा वर्ल्ड का वो हो रहा है। मैं भी उस सभी को पॉजिटिव ले रहा हूँ, और अपना फिटनेस फिट रखने के लिए, हेल्थ को फिट रखने के लिए हमको ग्राउंड तो जाने को अलाउ नहीं करते, तो हम रूम पे जितना हो सके, आपको मालूम है रूम पे जो जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो जो वर्कआउट कर जी, सकते हैं, उसमें कर रही हूँ, उसमें फोकस कर रही हूँ। और यहाँ पे नीचे 30 या 40 मीटर का एक लॉन्ग वो है, जमीन है, तो वहाँ पे मैंने ABCD थोड़ा सा किया था मैंने, अच्छा। और ज्यादा के ज्यादा मैं योगा, प्रोनाउंसिएशन, ये सब में ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि हाँ, वो बहुत रनिंग जरूरी है। टू, हाँ, जैसे आपने देखा ही हो, ब्लड सर्कुलेशन का, और खाना का भी थोड़ा सा मैं कम कर दिया पहले से, मीट तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फ्रूट्स और वाटर लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जी अभी जी यहाँ पे तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। गर्मी है। आप क्या कर रहे हैं घर में? मैं बस कुछ नहीं, घर पे अपना पूरा फैमिली के साथ, लॉकडाउन है अभी, पेरेंट्स हैं घर पे, तो टाइम चल रहा है अच्छा। अभी बच्चा हुआ है, रियो आया है अभी हमारी लाइफ में, तो इट्स अच्छा, ब्लेसिंग है ऊपर वाले की, तो सब हाँ, अच्छा है। मैंने मैंने भी मतलब क्या खास है, आपका बेटे का नाम रियो है और इस बेटी का नाम गाजिया है, ये मुझे कुछ दिखा है उसमें, तो आप क्यों रखा उसको ऐसा नाम? नहीं, ग्रासिया इसलिए रखा क्योंकि हम लोग जब बाहर गए थे, तो मेरी जो वाइफ है और जो मेरी बेटी है वो हॉलैंड में हुई थी, मेरी बेटी, तो जो मेरी वाइफ है वो वहाँ पर हॉलैंड में वर्क करती थी बैंक में, तो इसीलिए फिर हम लोग कहीं बाहर गए थे, तो वहाँ पे हमने सोचा कि कुछ ऐसे प्लान करेंगे या जैसे भी ऊपर वाले का होगा, तो फिर इसलिए वो ग्रासिया नाम हमने सोचा। वो बहुत
अलग था थोड़ा सा, और बच्चे के लिए एक थोड़ा उसका था। तो फिर ग्रासिया जब नाम रखा, जब रियो हुआ तो फिर ग्रासिया ने रियो का नाम रखा। हाँ, रियो बस मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। तो और आपका आपका रोल कौन? मॉडल कौन है? सचिन सर। हाँ अरे वाह, वो तो हमारे बिल्कुल खास है, गॉड है वो हमारे स्पोर्ट्स में, हाँ क्रिकेट मेरा में। भी गॉड है। हाँ वो सबसे मेरा बेस्ट मोमेंट है लाइफ में, जब सर ने घर बुलाई थी और हम मेरे साथ बातचीत की थी, मैं और रानी गई थी वहां पे सचिन सर को मिलने के जी लिए, और सर को जब देखा था मैंने रो पड़ा था वहां पे, और अरे सर ने वाह, मुझे आके समझाया, बहुत अच्छा लगा। वो सब बेस्ट मोमेंट थी जी मेरे लिए। पाजी, हम उनको पाजी बोलते हैं ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जब भी वो रहते हैं तो एक अलग सा हम्बलनेस रहता है ड्रेसिंग रूम में, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और सचिन सर ने इतना कुछ किया है देश के लिए, और उनका सबसे अच्छा क्वालिटी है, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बिल्कुल हम्बल रहते हैं, ग्राउंड्समैन से लेके घर के जितने भी जैसे जो नॉर्मल रहते हैं। अभी आपने देखा होगा बर्थडे के बाद उन्होंने मम्मी का आशीर्वाद लिया पीछे, बहुत हम्बल रहते हैं वो, इसीलिए वो इतने बड़े सक्सेसफुल क्रिकेटर बने। हाँ भी कोशिश करते सर से वो सीखने के लिए, और बहुत सी बातें हुई थी क्या क्या करना है। तो जब एक रोल मॉडल को मिलते या जिसको फॉलो करते, और उसके जैसा बेस्ट मैन हो ही नहीं सकते। नहीं सही बात है। तो मुझे ये भी याद है कि आई थिंक आप जब अपनी तैयारी कर रहे थे, घर से गुवाहाटी जा रहे थे अपने होम टाउन से, तो आपके पास सिर्फ 400 रुपये थे, राइट? हाँ, तो फिर आप कैसे उसको परस्यू किया फिर आपने, क्योंकि एथलेटिक्स में तो बहुत सारा डाइट होता है, बहुत सारा एक अलग तरीके का प्लान होता है, आपको हमेशा अपना बॉडी स्ट्रांग रखना पड़ता है, और अलग तरह के वेदर में ट्रेनिंग होती है। तो वो आपको कैसे लगा कि बहुत कठिन का, आपने बहुत परिश्रम किया है सारी चीजों में, तो आपको कैसा चैलेंज लगा वो? पहले भैया मीन्स एथलेटिक्स का मुझे क्या क्या है वो सब इतना मालूम नहीं थे, क्योंकि मेरा पापा फुटबॉल खेला था और फुटबॉल में मैंने सीखा था थोड़ा। और एक दिन हमने योगा कंपटीशन करने के लिए नवोदय विद्यालय में गई थी ढींग में, जो मेरा वहाँ पे ही है। तो वहाँ पे शामसुल सर ने बोला था, हिमा तुम एथलेटिक्स में आओ, और एथलेटिक्स में तुम्हारे पास कुछ है और तुम बहुत अच्छा नाम कमाओगी एथलेटिक्स में आके। तो मैंने भी हाँ ठीक है, कोई भी गेम मतलब खेलना है मुझे उसी टाइम, तो अरे बोला वाह, हाँ सर मैं जरूर आऊंगी। और सर ने नौगांव डिस्ट्रिक्ट के साथ मुझे कोऑर्डिनेट करके दिए हैं, और उसी टाइम मैं पहला कुछ मुझे मालूम ही नहीं थी, बस भागना है, और भाग के मैंने नौगांव डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड बना दिया था। अरे वाह, और हाँ ऐसे ही इन डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मुझे देख रहा था गुवाहाटी का जो असम असम स्पोर्ट्स का जो कोच है निपोन सर और नवजीत सर, जी। और दोनों ने मुझे बोला हिमा तुम गुवाहाटी आओगी? तो हाँ सर आऊंगी, तो तुम गुवाहाटी आओ, हम सब ठीक करके दूंगी और तुम प्रैक्टिस करना है बस। तो मुझे मम्मी पापा को बोला, मम्मी थोड़ा सा नाराज हुई थी एक टाइम, क्योंकि कहाँ जा रही है यार, तो घर में रुक, सबको मालूम है मम्मी मिसिंग करती हूँ बहुत उसको। जी वही, अभी आप इधर भी हो ना पटियाला में, तो आप मिस कर रहे होंगे फैमिली को, क्योंकि आपके हाँ पापा को आप गोल्ड मेडल मिला, तो पापा ने बोला चलो चलो बेटा सुबह बात करेंगे, ये भी ऐसा कुछ हुआ था। जी हाँ वो मतलब बहुत सारा मुझे भी नहीं पता था भैया, मैं जब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई थी, मैं थी बस एशियन गेम्स का तैयारी में, अच्छा और मैं गुवाहाटी आई, गुवाहाटी में एशियन गेम्स का सिलेक्शन थी, तो सिलेक्शन हो गया। इसके बाद हम प्राग गई थी इंडियन टीम, तो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बोला तुम एक गेम खेलना है, बोला हाँ खेल लेंगे और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा तुमको, ऐसे बोला था। जी बिल्कुल, बोलो हाँ तो बाहर का लोगों के साथ खेलेंगे, मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसके लिए मैं गई थी वहां पे। और क्या बोलते हैं उसको, मतलब लकी थी, भगवान का दुआ थी, गोल्ड मेडल मिल गया सभी का आशीर्वाद में। और बाद में सबकी मुझे दुआ है मालूम आपके चला, साथ। हाँ बाद में मुझे मालूम चला ये बहुत बड़ा गेम है। ये पूरा सबसे अच्छे, इतने सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए, इतनी सारी दुआएं, और मेरा गुवाहाटी से और असम से बड़ा पुराना कनेक्शन है,
मैंने जो हाँ क्रिकेट पहला मैच खेला था, जो मेरा रणजी ट्रॉफी का डेब्यू हुआ था, मेरा गुवाहाटी में डेब्यू हुआ था। मैं बोलने वाला ही थी आपको उसी बारे में। और हाँ, बहुत और आप खूबसूरत जगह है वो, कैसा लगता है आसाम को? असम बहुत पसंद है, वहाँ के लोग पसंद है, और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आपका सेलिब्रेशन, वो मोंजी, मोंजी सेलिब्रेशन, राइट? ये इस सीजन में, अभी ये महीना में, अप्रैल महीना में, पूरा महीना मई तक हमारे आसाम में फेस्टिवल चलते हैं जिसको बोलते हैं बिहू। बिहू, हाँ हाँ, तो जी, आप आसाम आसामीज में ऐसे बोल दीजिए, सकलुके होकुल के बिहुर बिहुर खुबेसा खुबेसा जासिलु। जाशिलु। तो हाँ ये मतलब सबको सब। मेरी तरफ से बिहू फेस्टिवल मुबारक हो। हाँ ये अच्छा, हाँ अरे तो इस वाह। बार मतलब ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सो कोरोना के लिए अभी घर में फेस्टिवल मना रहे हैं फैमिली के साथ अरे सभी वेरी लोग। गुड, बिल्कुल, हाँ बहुत जरूरी है वो घर पे सब करना, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन मिला है बहुत जरूरी है। और मुझे ये भी पूछना है कि जैसे अभी साई का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिल रहा है, तो आपको कैसा पूरा का पूरा आपको चैलेंज लग रहा है वो? कभी कभी हमने कभी सोचा नहीं था कि इस वायरस में हमको घर में ट्रेनिंग करना पड़ेगा, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे मोटिवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंजेस अभी धीरे 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 बढ़ रहे हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग मोटिवेट रहें प्लस और अच्छा काम रहे, मतलब इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ मिलके सबकी हेल्प करना। हाँ मैं भी वही कर रही हूँ, जितना हो सके लोगों को, असम का लोगों को, या जो जो देखते हैं तो उनको बोल रही हूँ घर पे रुकने के लिए। कभी कभी सोशल मीडिया जब देखती हूँ या दो में बुरा लगते हैं, अभी तो ठीक हो गया, पहले जब 21 दिन का लॉकडाउन दी थी तो इंडिया में किसी भी हुआ नहीं ऐसे पहले, तो लोगों को थोड़ा सा लगेगा इतना घर में बैठ के। तो कोई ऐसा लोग मतलब है, पुलिस को फॉलो नहीं करना लॉकडाउन को, पुलिस जी को थोड़ा सा पत्थर मारना, डॉक्टरों को पढ़े, उसमें बुरा लगते हैं, लेकिन बहुत अभी खराब ठीक हो लगता है, गया। बिल्कुल सही बात है। हाँ और इतना डॉक्टर्स हो गए, हमारी गवर्नमेंट हो गई, इतने सारे हमारे पुलिस है, जितना इतना काम कर रहे हैं हमारे लिए, आई थिंक हम लोग उनको सबको, हमें तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहिए उनका, क्योंकि वो बेचारे घर पे नहीं जा रहे, हमारे लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर अस। तो बड़ा इम्पोर्टेंट हाँ है। और आपने बहुत अच्छा बात बोला वो, कि जैसे बीच में हो रहा था तो सोशल मीडिया जब हो रहा था तो काफी मतलब अपसेट था वो, तो वैसा अपसेट नहीं था। करना चाहिए लोगों को। इवन मेरा, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा मम्मी का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, तो ये जब लॉकडाउन में थी उस टाइम मम्मी को हॉस्पिटलाइज किया था 4 दिन के लिए, तो मैंने पुलिस से परमिशन ली थी और पुलिस ने हेल्प किया था, घर से हॉस्पिटल रुकाया, घर हॉस्पिटल से घर रुकाया है, तो रियली सैल्यूट सभी पुलिस को और बिल्कुल सही बात। डॉक्टर्स को भी। अभी हाँ मम्मा कैसी है? मम्मा की हेल्थ ठीक है अभी? अभी मामा का हेल्थ ठीक है, और लॉकडाउन के बाद जब नॉर्मल हो जाएगी तब दिखाते हैं, और एक बार मैं खुद जाके तभी मालूम चलेगा क्या हो रहा है। क्योंकि जब मेरा हम लोग का बेबी हुआ रियो, तो उस टाइम भी दिल्ली पुलिस ने काफी हेल्प किया था, तो हाँ इसीलिए हम लोग को बहुत सलूट है उनकी इस जज्बे का, और बहुत सारे काम कर रहे हैं वो लोग, हाँ तो और इवन इसीलिए दिल्ली जी पुलिस ने, हाँ दिल्ली पुलिस ने खुद हाथों से लोगों को बना के खिला रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा वो वीडियो देख के जी हाँ मुझे। और असम पुलिस ने भी हर जो लोग को ट्रीटमेंट करना है, दवाई लाके देना है, और घर घर तक भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा हाँ वो देख के। पहले तो जब लॉकडाउन खत्म होगा तो सबसे पहले चीज क्या करोगे आप? तो ग्राउंड जाएंगे, उसके बाद जो ये थोड़ा सा कम हुआ है उसको पूरा करना है, उसके बाद देखते हैं। और गेम भी अभी टाइम है हमारे पास, ओलंपिक भी पीछे कर दिया, अभी गेम तो कुछ ओलंपिक होगी का नहीं, 2021 में, राइट, टोक्यो ट्वेंटी में। वन हाँ में। हाँ भैया तो मेरी तरफ से और सबको आपको शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि इस बार आप बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हो। थोड़ा सा कोशिश करेंगे जितना हो सके, हम तो हर मैच में बेस्ट देना चाहते हैं आपको मालूम ही है, लेकिन जी जी अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हो जाते हैं कुछ कुछ। नहीं, आपके लिए बहुत दुआएं लोगों की, बहुत सारे मैसेज आए, सबने पूछा कि आपका फेवरेट आइडियल कौन रहा है हमेशा से, स्टार्टिंग से आप कैसे पहले फुटबॉल खेलते थे, फिर एकदम से आप अभी सबसे इतनी अच्छी, आप इतनी स्प्रिंटर हो कि आप, मुझे लगता है कि काफी सारे क्रिकेटर को आप हरा दोगे रेस में। एक्चुअली इन इंडिया में हमारे एथलेटिक्स को 2018 से
मतलब ज्यादा फॉलो कर रहे हैं एशियन गेम्स के बाद, जब से इंडिया इंडिया का सभी लोगों ने इतना मेडल लाया है, ये भी रिकॉर्ड है। एशियन गेम्स जो जकार्ता में हुई थी, तो इंडिया में एथलेटिक्स में काफी सारा मेडल आई थी, तो अच्छा उस टाइम से इंडिया में एथलेटिक्स को सभी ने फॉलो कर किया है। तो पहले थोड़ा सा नहीं की थी क्योंकि प्लेयर्स नहीं थे, आई थिंक कुछ होगा शायद। तो अभी सबको मालूम है एथलेटिक्स क्या है। तो एथलेटिक्स जब भी एक ग्राउंड में जाते हैं, हमको बाहर में तब थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था, जैसे इंडिया का लोग देखने जाते हैं ना, जब भी चिल्लाते इंडिया इंडिया, वो भी एक्स्ट्रा पावर हो जाते हैं। हाँ, और जैसे हाँ आप फार्मर फैमिली से हो, और मैं उन फार्मर्स को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिनकी वजह से हमारे घर में खाना आ रहा है, कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखोगे कितना सारा हमारा गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, और घर में जो भी एसेंशियल है सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे फार्मर्स के लिए और हमें कुछ करना चाहिए? डेफिनेटली करना है। अभी मैं कुछ वीडियो देख रही हूँ, अभी तो ग्रुप पे वीडियो ही देखना है, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो दो तीन चीज बुरा लग रहा है, जैसे 100-100 मतलब जमीन पे खेत कर रहे हैं जो किसान लोग, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है उन लोगों को। तो मैं चाहती हूँ उसको, जो हमारे एनजीओ ने तो बहुत हेल्प किया है, जो बड़ा बड़ा एनजीओ है, उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है मुझे, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट का ये परमिशन लेके जो वहाँ उन लोगों का नष्ट हुआ है, किसान का अंकल अंकल को लॉस हुआ है उनका, तो वो खेत से लेके गांव गांव में थोड़ा सा भेजने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, और ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है तो वो फॉलो करके ऐसे करना चाहिए। तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस क्या है? आपको कहाँ पर जाना पसंद है इंडिया इंडिया में? इंडिया में असम ही सबसे ब्यूटीफुल है, क्योंकि बहुत ग्रीन है सब कुछ, चाय के बागानों में खूबसूरत है ना, जगह है वो। वहाँ पे आसामी जो डांस करते हैं, और बिहू। जिस तरह से वहाँ का बिहू डांस, बहुत खूबसूरत जगह है वो। टी गार्डन्स, कभी कभी जैसे मूवीज आती है काफी सारे, हम लोग कभी देखते हैं तो बड़ा मजेदार लगता है वो। हाँ, आप भी आना पड़ेगा असम में एक दिन मेरे मैं आऊंगा, साथ, बिल्कुल मैं और चलूंगा आपके साथ उधर, हम जाएंगे, काजीरंगा जाएंगे, चाय बागान जाएंगे। पक्का उधर जाएंगे। और क्या आपने नई चीजें सीखी लॉकडाउन में? नहीं, सीधे पहले तो हमने डेडिकेशन सीखा है अरे नंबर वाह, एक में, बिल्कुल कैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना कैसे पड़ते हैं, वो डेडिकेशन सीखा है। और नंबर दो, हम जैसे पहले हम कुछ कुछ खाते हैं ना बाहर का, ये खाते वो खाते, तो वो नहीं खा के भी हम जिंदगी जी सकते आराम से, वो सीखा बिल्कुल, है। बहुत बड़ी बात। और पहले हमने बहुत सारा ऐसे टाइम पास करने के लिए घूमने चलते हैं बाहर, लेकिन हम वो नहीं जाके भी रूम पे भी हम जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते, तो ये सीखा है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने, डेडिकेशन भी बड़ा है। और जैसे कभी कभी सोशल डिस्टेंसिंग अभी हम लोग कर रहे हैं, घर पे रह के आप सेफ हैं और परिवार के साथ हैं, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो, जैसे आप खुद पटियाला में हो, आप अपनी मम्मा को मिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को। आपके 5 भाई बहन हैं, राइट? मेरा तो चार है, मैं, मेरा बहन और ट्विंस है दोनों, अरे और उन वाह, लोग क्या का नाम है उनका? बर्थडे गई है 1 वीक के पहले, छोटा चलो वाला। हैप्पी बर्थडे उनको, मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। उसका नाम है बरसा और बसंता। बरसा एंड बसंता, हाँ चलिए मेरी तरफ से बहुत हाँ बहुत उनको प्यार। ओके, थैंक यू। और इवन मुझे उन लोगों को एक बात बहुत अच्छा लग रहा है, जब मेरा पापा, सभी फैमिली, मेरा 17 मेंबर्स है हम लोग एक साथ, तो किसी को बाहर जाने नहीं देते। इवन मेरा पापा को भी बोलते हैं आप बाहर नहीं जाएगी, मोदी जी ने मना किया है, और ये आप बाहर जाएंगे तो कोरोना लग जाएगी, ऐसे बोलते हैं। 9 साल का नहीं है। हाँ नहीं वो बिल्कुल, अभी मेरी बेटी भी एक ग्रास है, वो भी बोलती है कि पापा मैं चाहती हूँ कि बाहर जाते हैं और उनको कॉप्स को ना मैं केक दे के आती हूँ, वो ना हमारे लिए बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो अब हाँ सो शॉक कि कितना बच्चे को भी पता है कि वो पापा वो मोदी सर टीवी पे कब आएंगे, हमें दोबारा दिया जलाना है या कुछ करना है ऐसे, मुझे जल्दी जल्दी हाँ उनको देखना है।
हमने भी उस टाइम बात की थी सर से, प्राइम मिनिस्टर सर से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की थी, तो सर ने भी बताई है कैसे हमको करना है। इवन है क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा इतना बड़ा बीमारी है ये, क्योंकि ओलंपिक तक पीछे कर देना पड़ रहा है, बिल्कुल क्योंकि वर्ल्ड वाइज टाइम में ओलंपिक पीछे कर रहा था, इतना बड़ा ये वायरस है, महामारी है। तो कुछ गाइडलाइन दिया है, हमको भी बोला है ऐसे ऐसे करना है, तो हम भी कर रही हूँ। और एक बात है, जैसे कोरोना हम नाम और निशान मिटा देंगे इंडिया से या वर्ल्ड से, बिल्कुल उससे बाद भी हमको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। कोरोना ने ये बिल्कुल हमको सिखाया है, हम थोड़ा सा दूर दूर रख के बिना कारण बाहर नहीं जाके हम आराम से जिंदगी जी सकते, ये बाद में भी करना है सभी लोगों को। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? क्योंकि अभी हम लोग का भी स्पोर्ट्स का नहीं हो रहा है काफी सारा। हम लोग भी चेन्नई में गए थे, काफी काम कर रहे थे, उधर ट्रेनिंग चल रही थी। तो आपका फेवरेट आईपीएल टीम कौन सा आईपीएल है? टीम तो अभी सब बोलेंगे यार आपके साथ लाइव कर रही इसलिए उसका टीम ही बोलेगा। मेरा सीरियसली मेरा चेन्नई सुपर किंग्स का फैन हूँ, क्योंकि वहाँ पे धोनी भैया भी है, धोनी भैया को भी बहुत मानती हूँ, और आप भी है वहाँ पे, तो जी। चेन्नई सुपर किंग्स मेरा बेस्ट टीम है। और अरे वाह। आप तो आईपीएल में तो धमाका मचा देते हो, कैसे करते हो? नहीं, वो डेडिकेशन भी है, और एक जब खेलते हैं तो जैसे आपने अच्छा बोला कि एक जोश होता है ना, जो मेरा जो खेलते हैं तो जब जितना है तो आज के लिए ही खेलना है। वो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जिस दिन खेलना है उस दिन जान लगा के खेलना है। फिर जब हम रूम पे डेफिनेटली वापस जाएं और अपने आप को शीशे में देखे तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो है बिल्कुल देश के लिए खेलो या क्लब के लिए खेलो। तो जो स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि एंजॉय करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए जितना एंजॉय करो उसमें बेस्ट निकलता है परफॉर्मेंस। मैं भी वही करती हूँ भैया, क्योंकि कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। बिल्कुल एथलेटिक्स में थोड़ा सा इंजरी का चांसेस ज्यादा है होते हैं, तो आज ही खेल के आज ही खत्म कर देना है, तो ऐसे ही खेल नहीं लिया। नहीं हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है वो। और मुझे जितने भी आपने जकार्ता में एशियन गेम्स में आपको गोल्ड मिला, फिर आपने स्प्रिंट में जो मुझे वो सेलिब्रेशन बहुत पसंद है, मैंने यूट्यूब में बहुत देखा आपका वो, जब आपको पूरा था हाँ वो, जो आप वो मोन्जी सेलिब्रेशन करते हैं, मोन्जी राइट। मुझे, हाँ वो एक मुझे एक वर्ड बार देखना है, मुझे वो सेलिब्रेशन आपका लाइव देखना है। चाहता ठीक हूँ। है, मैं ऐसे पहले आपको नमस्ते करती हूँ, हाँ क्योंकि इंडिया सभी को नमस्कार, अभी तो पूरा वर्ल्ड पे चल रहा है नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, मौन जाए, हाथ ऐसे कर मोहनजय। देते, हाँ और रनिंग, वो बिल्कुल आपका वो और अलग आपको अलग मारना टाइप। है ऐसे करके। इट्स सो मच फन। वो सेलिब्रेशन जब भी मैं आईपीएल में या कभी हम लोग खेलेंगे दोबारा और साथ में रहेंगे, तो मुझे ऐसा वाला सेलिब्रेशन करना है आपके साथ। जब हाँ हम आसाम जरूर, जाएंगे ना साथ में, जब एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे, तो दोनों ऐसे वाला फोटो खिंचाएंगे आप। पक्का पक्का, जल्दी बिल्कुल ये कोरोना को भगाना है, उससे बाद में हम घूमेंगे। और असम में भैया एक चीज मिलती है, वो बहुत वर्ल्ड फेमस है, वन एंड वन नोज राइनो, आपको मालूम राइनो होगा सही। हाँ, जी। उसका अच्छा एक ही वो है, इसको क्या बोले, वन हैंड हैंड बोलते हैं उसको, हॉर्न। नोज हाँ नोज है ना, उसके नोज के ऊपर एक क्या बोलते हैं, पत्थर के जैसा ये होते हैं, तो वो वर्ल्ड फेमस है। जैसे अफ्रीका में दो होते हैं नाक के अच्छा ऊपर, तो असम में एक होते हैं, वो वर्ल्ड एक है वो। फेमस है। हाँ इवन ये इंग्लैंड का जो पीटर पीटरसन सर ने भी वहां पे फिल्म करने के लिए गई थी राइनो के साथ। हाँ वो भी है, और रोहित शर्मा काफी राइनो के लिए करता है वो, उसका भी इनिशिएटिव मैंने काफी देखा है, और केविन हाँ पीटरसन उसने भी किया है, और रोहित शर्मा काफी उनके लिए जो वाइल्ड लाइफ वेल है के लिए, जो, हाँ हाँ तो ही इज डूइंग इट सो सो मेनी गुड थिंग्स फॉर देम। तो एक फील होता है कि जैसे क्रिकेटर आगे आके सारी चीजें ऐसे फॉलो अप करते हैं, जैसे ग्रासी रैना फाउंडेशन है, हम लोग भी उसमें काफी चीजें गरीबों के लिए करते हैं। तो भी हाँ जैसे हाँ कभी कभी हम खाना बनाते हैं यहाँ पर, तो नीचे हमारे गार्ड और सिक्योरिटी है, तो उसको कभी खाना देते हैं। तो काफी सारी चीजें इससे, एक तो चीज सीखने को मिली कि लाइफ में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके खुश होके एक दूसरे को प्यार बांट के और साथ में रह के जिंदगी का अलग मजा है वो, जो हम लोग एथलेटिक्स के देखते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन जब बाहर जाते हैं, जब साथ में हम वापस आते हैं तो कैसे दोस्त लोग आते हैं वापस मिलके, हम लोग सब बैठ के खाना खाते हैं, अभी रोज खाना खा रहे हैं, सुबह भी दोपहर को भी रात को भी सब साथ में बैठ के।
और अभी मैं आपको दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे। जी पहले बिल्कुल पूछिए। आपने सभी को मतलब कोई क्या बोलते हैं इसको, कुछ करने के लिए तो पहले से सोचते रहते हैं, आप क्यों क्रिकेट को क्यों सोचा, कैसे सोचा है आपको आने के लिए? नहीं, मैं हॉस्टल में था, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, तो 1998 में मैं वहां पर गया था। उसके बाद खेलते थे, मेरे बड़े भैया थे, मुकेश भैया, दिनेश भैया और राकेश भैया, वो काफी मुझे सपोर्ट करते थे वो खेलने के लिए। फिर मेरे नरेश भैया, हम लोग पांच भाई बहन हैं और एक एक सिस्टर है हमारी, तो काफी हम हाँ भी वो मुझे काफी सपोर्ट करते थे कि, और पापा और मम्मा हमेशा बोलते थे कि बेटा खेलना जरूरी है लेकिन पढ़ाई उससे भी जरूरी है। तो फिर मैंने हॉस्टल में गया तो धीरे धीरे ऐसे फिर खेलने लगे, तो खेलना था कि बस जुनून था अंदर, एक देश के लिए हाँ खेलना है, बस एक एक ठान रखी थी कि बस मेहनत करनी है और देश के लिए खेलना है। फिर उसमें मैंने काफी राहुल द्रविड़ को, सचिन तेंदुलकर को, काफी सारे बड़े प्लेयरों को, फिर मैं एमएस धोनी के साथ इतना क्रिकेट खेला, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं जैसे वीरू भाई हैं, तो उस टाइम पे वो लोग टीवी पे जब आते थे तो एक अंदर से होता था कि जब वो लोग खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं, बस मेहनत करेंगे, डेडिकेशन रखेंगे और फिर ऊपर वाला और माँ बाप की दुआएं काम आएंगे। तो ऐसे ही जिंदगी में अगर आप मेहनत करो तो मुझे लगता है सब हासिल हो सकता है। डेफिनेट। और ये आपका क्रिकेट लाइफ में आपको सबसे मुश्किलें कौन सा लगते हैं? मतलब सभी को तो मुश्किलें लगती है क्योंकि जो नहीं, खिलाड़ी है बेसिकली मुश्किल से ही मुश्किलें आते मुझे, हैं। हाँ ही, मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल है स्पोर्ट्स की लाइफ में इंजरी के बाद कमबैक करना, क्योंकि मेरे दो ऑपरेशन हुए हैं, उसके बाद माइंड को बड़ा सॉर्टेड रखना पड़ता है। एक तो रिहैब होता है, उसके बाद एक जो बीच का टाइम होता है ना, माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि यार कैसे होगा, मैं दोबारा स्ट्रांग रहूंगा, तो वो मैकेनिज्म जो बॉडी का होता है इंजरी के आसपास उसको स्ट्रांग, क्योंकि ब्रेन का जो मैसेज है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो बॉडी के अंदर जाता है। अगर हमारा ब्रेन स्ट्रांग है तो कोई भी इंजरी है, कोई भी आपको आफत है, कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। तो वही हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने सिखाया और आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन, वो इतना कुछ कर रहे हैं आपके लोकल्स के लिए, तो बहुत सब लोग हाँ बहुत टफ काम जितना भी है तो सब आसानी से कर रहे हैं, स्माइल करके कर रहे हैं। तो एक चेहरे में बॉडी में एक ठहराव आना बहुत जरूरी है, और एक ह्यूमैनिटी आ गई है अभी, इंसानियत, लोग कर रहे हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूंगा और आपके बारे में जानूंगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, स्ट्रगल किया है आपने, इतना ज्यादा आपने देश के लिए मेहनत करी, और आपके लिए इतने मैसेज आ रहे हैं, सब कह रहे हैं ये लड़की बहुत आगे जाएगी और ये हमारी देश की शान हाँ है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अभी श्रीशांत ने एक थम्स अप किया, हमारे वर्ल्ड कप विनर हाँ बॉलर है, उसने भी मैंने भी देख आपको, रही हूँ। हाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए, सबके लिए प्रे करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जिसमें सब लोग आपस में रह के ना बहुत सारे देश को जब जिताते हैं तो लोगों में बड़ा प्यार मिलता है वो। हाँ, और दो दो स्पोर्ट्समैन ऐसे बात करने के लिए वो ताकत भी अलग होती बिल्कुल, बहुत है। ताकत होती इवन आपने इंजरी के बारे में बोला, अभी मैं भी अभी इंजरी में थोड़ा सा उठ रही हूँ धीरे से, तो वो भी है बहुत टफ है क्योंकि आपने जैसे बोला है माइंड को फेस रखना है, और बहुत कुछ है इंजरी टाइम में, माइंड को हर दिन फेस में ही रखती हूँ और जितना हो सके इंजरी से आने के लिए कोशिश करती हूँ। और इवन हमारा जो आसाम में अभी स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आसाम गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर सर खुद भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर है क्रिकेट का, और बहुत कुछ कर रहे हैं जैसे खेलो इंडिया भी किया है, और हमारा किरण रिजिजू सर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अभी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं सर ने, और सर के जी, साथ बातचीत रिजु होते सर रहते बिल्कुल हैं। काफी हाँ मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने भी बहुत आप लोगों के लिए इतना सारा ऑर्गेनाइज किया है, सारा कैंप भी किया है, आपको ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी वो कर रहे हैं। किया है। बीच में आपने रिक्वेस्ट किया था आई थिंक लॉकडाउन में, कोई अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसा कुछ आप अगर, इक्विपमेंट के लिए मैंने बोला था एक बार रूम के अंदर इक्विपमेंट थोड़ा सा करने के लिए, वो भी करके दिया है सर ने, और बहुत डेडिकेट है सर। और जब आप कुछ विजिट करने के लिए आते हैं ना तो हमारे साथ खाना खा जाते हैं, वो भी एक अरे वाह इंस्पिरेशन मिलते हैं, एक मिनिस्टर होके बिल्कुल, हमारे साथ खाना खा रहे हैं। हाँ, और वो उनका पूरा लॉन वो क्लीन करते हैं, इतनी ट्रेनिंग करते हैं, वो खुद इतने स्ट्रांग है, पूरा फिटनेस फ्रीक है सर, पूरा हाँ, का और पूरा रोज ट्रेनिंग हमने रहता है वीडियो उनका देखती हो, झाड़ू लेके अपना घर सफाई करते हैं, मस्त लगते हो देख के। तो किसी ने मेरे, हम लोग के जो फैंस हैं, मेरे काफी सारे फैंस हैं जो आपको बोलते हैं कि आप फीमेल हुसैन बोल्ट हो बस आपका बहुत अलग अलग वो स्टाइल है, वो मुझे पसंद है आपका एटीट्यूड, आपका जिस वे में आप जाते हो, और मुझे सबसे अच्छी पिक्चर लगी प्राउडली जो आपने
अपना फ्लैग लेके जब गोल्ड मेडल मिला आपको, तो वो सबसे अलग मोमेंट है, वो बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है वो। डेफिनेटली उस टाइम मेरा एक बात याद आ गया था, जब प्राइम मिनिस्टर सर ने हमको बुलाई थी वहाँ पे मिलने के लिए एशियन गेम्स के बाद, तो हमारा जो सभी को एक एक मोमेंट दिखते हैं ना फोटो में फ्लैग लेके, और सर ने बातों बातों में मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो भी एक मतलब खुशी का रो बोलते हैं ना, खुशी का रोना ऐसे हो गई थी वो सब अच्छा लगते हैं। और आप अपने आप को फोटो देख के भी समझ में नहीं आते ये कौन है। और मेरा जो ये फिनलैंड वाला वीडियो है ना, वो मैं देखती हूँ, मुझे लगता है ये मैं नहीं हूँ, मैं खुद इंस्पिरेशन लेती अरे हूँ वो वीडियो से। हाँ वाह। नहीं, बहुत सारे ऐसे वुमेन्स अभी एम्पावरमेंट चल रहा है देश में। जैसे आपने देखा होगा, वुमेन्स क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। आपके जितने भी इतने सारे फैंस हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप एज ए वुमेन, की आप लाइफ में मतलब कैसे आपको लगता है कि कैसे मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को? पहले तो सभी लोग मतलब आगे आना है, पहले 2-3 स्टेप खुद को ही आना है। आपको मालूम होगा शायद, आपने तो खुद जी फैमिली ने आपको 2-3 स्टेप लेके आया है, बाद में आप खुद जब देखते, तो मैं भी वही चाहती हूँ, पहले खुद निकल के आइए। ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा वाला काम। और 2 स्टेप आप खुद निकल के आ जाइए, बाद में आपको खुद ही मालूम चल जाएगा दुनिया कैसा है, ये लाइफ बिल्कुल, कैसा है। हाँ मुझे और लगता है कि हाँ स्ट्रगल हाँ काफी चीज सिखाता है, और हमारे माँ बाप ने इतना कुछ किया है, तो एक जो उनका कर्मा होता है ना, कर्मा लाइफ में, इसीलिए ऊपर वाला ऐसी बड़ी चीजों से नवाजा है, क्योंकि आपकी फैमिली ने असम में बहुत सपोर्ट किया आपको, और बहुत जितने सपोर्ट फैंस किया है। आपके लिए और सब आगे। मेरा पापा पापा मम्मी पापा सभी लोग आपको देख रहे हैं, मेरा अच्छा, भैया मम्मी को देखा पापा को मैंने। मेरी तरफ से नमस्ते नमस्ते हाँ बोलना, और सबको हाँ बोलना थैंक पापा को यू। सल्यूट है, उन्होंने इतने इतने अच्छे से आपको एक स्ट्रांग लड़की बनाया। तो मैं तो बोलूंगा आप उनकी बेटी नहीं हो, आप उनका बेटा हो, आप एकदम जोरदार प्लेयर हो। पापा के साथ मेरा बहुत क्लोज कनेक्शन है, मम्मी से पापा के साथ ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि बचपन से उसके साथ उसका गोद में सोया मैंने, तो अच्छा, टाइम टाइम में बात होते हैं, टाइम टाइम फ्रेंड होते हैं, ऐसे होते हैं, और टाइम टाइम कोच बिल्कुल, भी होते हैं अपने आप। तो ऐसे ही। और मेरा भैया ने आपको पूछा गाना है, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, एक गाना मैं सुनाने गाना के लिए बोले। अच्छा, तो ये मुझे असामी गाना गाना है आपके साथ, आप असामी गाना मुझे बताओ, आप गुनगुनाएंगे, मैं आपके साथ गाऊंगा। आप ऐसे आप कैसा गाना सुन रहे हैं, मीन्स नहीं, आसामीस गन? मुझे आप असामी गाना आपके साथ गाना है, 2 लाइन आप गाओगे वही लाइन मैं गाऊंगा, आपका जो फेवरेट सिंगर है या हाँ जो असामी उधर है, क्योंकि जो सॉन्ग है जो वो हमें मतलब थोड़ा सा लॉकडाउन में है, तो गाने थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा एक गुनगुनाना बैलेंस रखते पड़ता हैं। जी, है। ओके जैसे अभी तो बिहू का सीजन है, तो एक बिहू का छोटा सा लाइन, फूल फुलिसे बसंत तुमि জাননী বহাগত, প্ৰতিটো বহাগতে মৰম যাচো তোমাক অন্তৰ। আমি আপ ফুল ফুল ফুলিছে ফুলি ফুল ফুলি সে বসন্তত, বসন্তত বহন্ত তুমি জাননী তুমি যা মনি বহাগত, বহাগত প্ৰতিটো বসন্ততে, প্ৰতি নে প্ৰ প্ৰতিটো 42 প্ৰতিটো 42 বসন্ততে বহন্ততে, আরে বাপ, মৰম মেন যাচো। मोरम दासो, अरे वाह, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपको गाना गाना चाहिए, और आपकी बहुत अच्छा, कभी आप कभी इंजॉय मैं कर रहे हो सिंगिंग करके इस टाइम पे, यू आर इन वेरी वेरी गुड मूड, यू यू शुड बहुत आप एंजॉय कर रही हूँ रूम पे। बहुत हाँ अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही खुश रहो। मेरे पास एक दो सवाल थे, फैंस लोग पूछ रहे हैं, आपको कुछ सवाल जवाब करना है फैंस का, कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए जरूर विशेष कर जरूर रहे हैं, आपकी जरूर। हाँ दुआएं कर बहुत रहे हैं। लोगों ने आपको मिस्टर आईपीएल से जानते हैं, कोई फ्रेंड्स ने बोला है मिस्टर, यस डेफिनेटली मिस्टर आईपीएल है, क्योंकि बिल्कुल आईपीएल ने तो धमाका मचा रखा है। अच्छा लगते है। सब फैंस और लोग आप? हाँ जी बोलिए।
अभी आप लॉकडाउन के बाद में क्या क्या करेगी? अभी ट्रेनिंग चल रहा है अभी, और उससे पहले फिर ट्रेनिंग का कैसे होगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो भी मेरे घर में इक्विपमेंट है वो कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा अभी माइंड को, जैसे आपने बोला, योगा कर रहे हैं और सॉल्ट कम खा रहे हैं, शुगर कम खा रहे हैं, जितना कम हो सकता है उतना, क्वांटिटी कम है क्वालिटी ज्यादा है, तो हाँ उसी हिसाब से थोड़ा माइंड को करना जरूरी है अभी स्ट्रॉन्ग। ओके हाँ तो आपके फैंस लोग, अगर आप कोई सवाल रहे ना सर, आपको बहुत मिस करता हूँ। टेक केयर ब्रदर, मी टू। और आपका कोई सवाल आ रहा है मुझे? आसाम में किसी ने बहुत अच्छा पूछा था आपके लिए, कि हिमा जी से पूछना कि आसाम, जब आपने रिप्रेजेंट किया अपनी कंट्री को और जब आप वापिस आए तो वो कैसी फीलिंग थी? बहुत सारे लोग थे जो आपके लिए दुआएं कर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, लेकिन जो इमोशन था उधर लोगों का, वो बड़ा, मिलको आपको एकदम प्राइड की, एकदम होता है ना, जब मैं, हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आएंगे आए थे, तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक दो फोटो फैमिली के, जो दोस्त लोग आते हैं, तो जो अपने हाँ शहर में आदमी जाता है शेर की तरह एकदम, तो लोगों का प्यार मिलता है, वो कैसा लगा था आपको? उस टाइम तो वेरी अमेजिंग थी वो, जब मैंने एशियन गेम्स के बाद, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद डायरेक्ट मैं एशियन गेम खेलने गई थी, इंडिया आई नहीं थी, तो उससे बाद में जब आसाम गई थी, मतलब सोच ही नहीं सकती हूँ क्या क्या हुआ था वहां पे आसाम में। एयरपोर्ट में काफी 10,000 या 15,000 लोग आ गया था वहां पे देखने के लिए, और सभी मिनिस्टर लोग भी आए थे, इवन हमारा जितना यूनियन थी सब आ गया था देखने के लिए, वेलकम करने के लिए, और अमेजिंग थी वो। पूरा रूट को मुझे लेके आई थी बहुत, 100 100 से ऊपर गाड़ी लेके, वाओ, और मैं दिन में तो मुझे सपना सपना लगा था, रात को मैं जब बैठी थी घर गई थी तभी मुझे एहसास हुआ था यार क्या कर दिया मैंने, कुछ बिल्कुल तो किया नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी हर दिन आप लोगों के मुंह पे हंसी आने के लिए। श्रीशांत भैया ने आपको बोला है वन सॉन्ग फिर भी एक बार गाने के नहीं, लिए? श्रीशांत मुझे बहुत गाने सुनाता था जब वो खेलता था, वो अभी वो खुद अच्छा गाना गाता है, वो गाना और श्रीशांत श्रीशांत को भैया मैं सुना, तो डांस बहुत अच्छी तरह से आते हैं ना। वो इंडियन टीम का ऋतिक था, वो जैसे ऋतिक सर डांस हाँ करते हैं ना, वो ही हाँ वॉज हाँ वेरी वेरी टैलेंटेड, उसका डांस मूव बहुत अच्छा था वो। हाँ मैंने भी देखा है बहुत सारे प्रोग्राम में। और आपका फेवरेट मूवी कौन सा है, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? अरे फेवरेट एक्टर मेरा अक्षय सर है, और वाह, फेवरेट मूवी मेरा अक्षय सर और आमिर खान सर है, तो आमिर खान सर का मेरा ये तारे जमा पे वो फिल्म बहुत अच्छा लगते है। बहुत अच्छे हैं हाँ बिल्कुल। हाँ थ्री इडियट्स मुझे बहुत अच्छा लगते है, और एक आपने वो फिल्म पिक्चर देखा है दिल चाहता है? अभी मैं देख रहा था वो, आमिर खान साहब का, सैफ अली खान का, अक्षय खन्ना का, बहुत फनी है वो, वेरी वेरी नाइस मूवी। ओके ओके और हाँ देख, मैंने मैंने पहला मूवी मेरा शोले थी देख, जब शोले। हाँ मैंने हाँ घर में जब मैं, क्योंकि तब एंटोना का टीवी थी, संडे संडे मूवी आते, तो कोई उसी डायलॉग टाइम आता है मैं आपको शोले मूवी का? बसंती ये कुत्ते के सामने मत ना, हंसना वो संजीव कुमार साहब ने और वो मूवी नहीं देखने के लिए आसाम में जब मेरा बड़े अप्पा लोगों ने बोलते हैं, जब ये मूवी जब रिलीज किया था, 7 7 8 दिन वो फिल्म का फिल्म हॉल के सामने लोग बैठते रहते वो फिल्म देखने के लिए। तो पहले चित्रहार देखते थे, जब महाभारत रामायण मोगली आता था उस टाइम पे सब लोग हाँ देखते थे घर में बैठ के, वो टीवी का एंटीना इधर करो तो चले जाता था, फिर इधर करो तो आता था, फिर वो ब्लर होता रहता था हाँ हम लोग घर। आपको को स्टार ने बोला है रायना सर आप हिमा के साथ 100 मीटर भाग सकते हैं? बिल्कुल भागेंगे, और मुझे लगता है आप हरा देंगे मुझे। नहीं, हम एक साथ जाएंगे। मैं चाहता हूँ आपकी, हम आपसे हारे और आप हमेशा देश के लिए इतना अच्छा करो, क्योंकि आपने जो प्राउड मोमेंट किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसे बात हो रहा है तो खुशी भी है, और एक होता है ना जो आप अपने दोस्तों से बात करते हो स्कूल में, तो मुझे वो फील हाँ आ रहा है, तो आपके अंदर एक हुनर छुपा है अंदर, टैलेंट गाने का आपका थैंक यू पता चला, आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग में आपने बताया, सबसे अच्छी बात आपने डेडिकेशन के बारे में बोला, जो सब स्पोर्ट्समैन को सीखना चाहिए,
और सबसे अच्छी बात है कि आप ऐसे प्लेस से हो और मैं भी एक ऐसी जगह से हूँ जो छोटा है। मेरा भी एक प्लेस है मुरादनगर, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, और वहाँ से फिर गाजियाबाद आया फिर फैमिली के साथ। तो मेरे भी वहाँ पर ऐसे ही गुरुजी हैं, उनका नाम ही गुरुजी है, उनको गजेंद्र त्यागी बोलते हैं उनको। उनके काफी सारे प्लेयर भी हैं, जैसे विवेक जी हैं, बहुत सारे लोकेश भैया, काफी सारे हैं, चांदू भैया, वो सब खेलते थे हम लोग ऐसे कैंपस में, तो हाँ वो मजा आता था बिल्कुल वैसा। हाँ कभी कभी मिसिंग मोमेंट होते हैं ऐसा ये सब में, जैसे स्ट्रगल जैसे करके आई थी। एक टाइम में मुझे खाना बनाने आते हैं, बाकी मेरा कुछ काम आते नहीं है, धोने का ये करके अभी सीख लिया पूरा का पूरा। जब मैं अकेले थी गुवाहाटी में तब ये सब सीख लिया था, तो उसी टाइम ऐसा जो है यार आज चला जाऊं क्या घर में, तो बाद में फिर मन में ये आ जाते हैं यार गॉड ने ये एग्जाम ले रहा है, एग्जाम में पास करना है मुझे। हाँ और सबसे अच्छा बात कभी कभी ऐसे होते हैं, जब मैंने एथलेटिक्स किया था लाइफ में तो मैंने खाली पैर में भागा था, और जब नेशनल करने के लिए आई थी तब मुझे पापा ने मुझे एक नॉर्मल सा स्पाइक्स खरीद के दिया था नॉर्मल, तो वहां पे मैंने ब्रांड का नाम लिखा था एडिडास पेन से। अरे वाह, तो बाद में जब एडिडास ने वो मेरा नाम उस पे लिखा था, वो भी मेरे लिए बहुत वो और मोमेंट अभी थी। आप आपके लिए रेडास ने शू बनाया है, कितना प्राउड मोमेंट है वो। आई हाँ हाँ थिंक ये एक जज्बा होता है ना, जब आदमी आपने पेन से लिखा हाँ लेकिन ऊपर वाले ने आपको प्रिंट करके दे दिया। हाँ सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू श्रीशांत बार भैया। बार बोल रहा है गाने के लिए, आई श्रीशांत और एक हम गा दोनों दीजिए, गाने नहीं तो गाते आप आपको बाद में डांटेगी, एक गा दीजिए। और फ्रेंड्स थे। मेरा भैया का भी वो है रिक्वेस्ट है। अच्छा ठीक है, कौन सा गाना सुनना है? मैं पुराने गाने गाता हूँ, एक दो लाइन आती है बस, वैसे करके हाँ सुना देना। वो आप ज्यादा गाते हैं, एक दो दिलों के वो वाला गाना। अच्छा, दो दिल मिल रहे हैं, हाँ हाँ और मैं सोच रहा कोई भी एनीथिंग। था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। श्रीशांत, आपका आवाज बहुत स्वीट है, श्रीशांत जैसे ये क्या माय बोलते हैं सिक्स ब्रदर। बोलते हैं ना ऐसे वाला स्वीट वाला ऐसा है। आपको और एक लास्ट मेरा एक क्वेश्चन आया है, आप तो आपने बताई थी मुझे ये आपने दाया हाथ का जो बैटिंग करते उस टाइम बहुत मुश्किलें थी आपको ग्लोव्स के लिए, वो थोड़ा सा बात हाँ शेयर कर हाँ सकते हैं? मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में था, हमारे कोच थे एसपी कृष्णन सर, और हमारे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, जैसे मेरे जितने भी कॉलेज के जो मेरे बैच के थे, दीपू, दीपेंद्र, संजीव राय, नीरज, तो हमारे काफी अच्छे सीनियर्स थे। मृत्युंजय त्रिपाठी जो इंडिया के लिए खेले, बहुत सारे अच्छे 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 प्लेयर थे, काफी सारे। अभी यूपी राशि रिस्टन जैदी जो हमारे यूपी के अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं, और हमारे जो कैप्टन थे ज्ञानेंद्र पांडे, जिनके अंडर में मैंने डेब्यू किया था उधर गुवाहाटी में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब ग्लव्स मेरा था नहीं था तो मैं राइट ही मिला था मुझको, और तो मैं लेफ्टी था। तो हमारे एक मोची थे जो हमारे जूते का सब करते थे हॉस्टल में, उनका नाम गप्टू भैया था। तो मैंने बोला भैया ये ग्लव्स आप उसको निकाल के इधर लगा सकते हैं? कह रहे सर चिंता नहीं करो, हम कर देंगे। हमने कहा आप कर दीजिए, मेरी प्रैक्टिस है अभी, मुझे जाना है। तो उसने इतना अच्छे के सर आप इसका इसका पता ही नहीं चल पाएगा कि राइट कौन सा था लेफ्ट कौन सा था। तो फिर मैं उससे ही खेला 6 महीने, क्योंकि उस टाइम इतना पैसा नहीं था और स्पोर्ट्स का जो फैसिलिटीज था उतना वैसा नहीं था, क्योंकि लेफ्टी ग्लव्स नहीं थे। फिर मुझे एसजी कंपनी है जो, और दे आर लाइक फैमिलीज, उन्होंने, पारस ने, कैलाश अंकल ने, उन्होंने सामान भेजा मुझे, तो मैं आज भी एसजी अमेजिंग। से ही खेलता हूँ। तो स्पोर्ट्स की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती है, वो मेरे दिल में इसलिए थी क्योंकि अभी जैसे वायरस में हम एक चीज कर रहे हैं, सारा कुछ कुछ भी हो रहा है आसपास, तो एडजस्ट कर रहे हैं। जब ओके ऐसे ये ठीक होगा तो सबको एडजस्ट करके एक दूसरे के साथ मिलके रहना चाहिए, और सबको प्यार के साथ और खुशी बांटनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली है इसमें। हाँ मुझे हाँ बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। पहले मुझे तो भी आपको थैंक यू, आपने पहला रिक्वेस्ट में हाँ कर दिया है, और हाँ, इसके लिए राहुल भैया को भी थैंक्स, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट राहुल किया भाई है। ओके बिल्कुल। हाँ और सबसे अच्छा लगा कि राहुल काफी टाइम से क्रिकेट भी कवर करता था, और ही इज अ जेन्युइन पर्सन, और उसका एथलेटिक्स से लोगों को सपोर्ट करना, और वो काफी
बिहाइंड द डोर जाके लोगों के लिए फाइट करता है, तो ही इज अ गुड बहुत पर्सन। बहुत हाँ, वो तो चुपके से करते लेकिन बाहर निकलते नहीं है। और मेरा छुपा भैया जैसे, हाँ बिस्तर हम जब भी मिलते हम भी एंजॉय करते हैं, और है वो। दिल्ली हाँ में घूम के, शॉपिंग मॉल में घूम के, और बिल्कुल, अभी नेक्स्ट टाइम हम भी घूमेंगे मैं आपके नेक्स्ट। साथ ना खाना खाना चाहता हूँ। जब भी आप दिल्ली आओ, आप घर पे आओ या मैं शाम आता हूँ, जब भी लॉकडाउन ठीक होगा तो मैं आपके लिए अपने हाथों से कुक करूंगा। आपका फेवरेट फूड क्या है? श्योर, मेरा फेवरेट फूड आसामिसी है, लेकिन बाहर जब खाते हो दाल चावल फिश रहने से हो जाते। मैं दाल चावल बनाऊंगा आपके लिए। ठीक हाँ पक्का पक्का। हाँ बहुत अच्छा है, लगा भैया, आपको और सेम थैंक एयर, टेक केयर योर सेल्फ, और फिर यू बात करते हैं भैया। बीच में। श्योर टेक केयर, श्योर, हम बात करेंगे। थैंक पक्का, यू। बाय। ओके, बाय 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 बाय।